Gangubai. Oh, Gangubai. You watch Gangubai? Yeah, something. Guys, ये होता है फायदा लाउंज होने का. सो आप वेरी गुड मॉर्निंग. इट्स अ नेक्स्ट डे इन चियांग माई और आज मैं एक्सप्लोर करने निकल चुकी हूँ चियांग माई के बहुत ही सुंदर टेम्पल्स. यहाँ पे वैसे तो देखा जाए तो 400-500 टेम्पल है, तो सब तो घूमना दो दिन में इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो मैं जो है यहाँ के जितने भी फेमस टेम्पल्स हैं वो एक्सप्लोर करने वाली हूँ. तो नंबर वन फॉर द डे इज़ वाट फ्रा दैट something आगे नीचे लिख दूंगी यहाँ पे, क्योंकि ये सब टेम्पल्स के प्रोनाउंसिएशन ना इतने डिफिकल्ट होते हैं कि हो नहीं पाते हैं. बट दिस इज़ अ वेरी बिग टेम्पल. ऑल्सो सेकेंडली ये चियांग माई से 30 किलोमीटर ऊपर है, अपहिल है और मैं ड्राइव करके आई हूँ. तो यह जर्नी आप पहले देख लो कैसी थी मेरी यहाँ तक की. अभी मैं यहाँ पे जस्ट पहुँची हूँ तो आपको चलो अंदर लेके चलते हैं. अब क्योंकि ये टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है और थोड़ा सिटी से बाहर भी है तो यहाँ टूरिस्ट तो बहुत आते होंगे ऑब्वियसली. तो देर आर सो मैनी शॉप्स हियर, सो मैनी शॉप्स डाउन स्टेयर्स एंड दिस इज़ द एंट्री ऑफ द टेम्पल. लाइक यहाँ से बहुत ही लंबी स्टेयर्स आपको दिख रही होगी ऊपर तक की, वहाँ तक हमको चल के जाना है ऊपर टेम्पल. और हाँ जी, पहले सबसे पहले तस्वीरें ले लेते हैं कुछ, उसके बाद फिर ऊपर चलते हैं. मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने कुछ खाया पिया नहीं है सुबह और इतना चढ़ाई हो जाएगी. अभी देखते हैं, चलो धीरे धीरे करके चलते हैं. लेट्स गो. के लिए एक बात तो बहुत ही ऐसे सच है कि जहाँ पे आपको भीड़ अवॉइड करनी है लोगों को, दुनिया भर के टूरिस्टों को, तो आपको वहाँ पे सुबह जाना चाहिए. लाइक यहाँ पे इतना खाली है अभी, सिर्फ लोकल है कुछ और इतनी अच्छी वाइब आ रही है. अभी आपको यहाँ से ना ऊपर से पूरा चियांग माई दिखाती हूँ. देर इज़ लाइक ऐसा, क्योंकि ये ऊपर हिल पे है ये टेम्पल और यहाँ से पूरा ऐसे चियांग माई दिखता है. लेट मी शो यू. वेदर आज थोड़ा क्लियर भी है तो सब दिख भी जाएगा अच्छे से. और इनके टेम्पल के आर्किटेक्चर इतने सुंदर होते हैं ना, आई मीन क्या बताऊँ मैं. ओहो, लुक एट द ब्यूटी. दैट्स द एयरपोर्ट, दैट्स द एयरपोर्ट. तो ये है पूरा का पूरा चियांग माई. ओके गाइस, तो वहाँ जिस टेम्पल में मैं इससे पहले थी वहाँ से आने के बाद 10-15 मिनट के रास्ते में जो है ये टेम्पल पड़ता है, विच इज़ वाट लाट या समथिंग. यहाँ पे सारे मंदिर, मतलब वाट जो है मेरे ख्याल से मंदिर को बोलते हैं. तो या दैट्स दैट. और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेम्पल है मेरे पीछे. अभी मैं अंदर गई थी और कोई भी नहीं है यहाँ पे. एंड मुझे लगता है नीचे ना नेचर ट्रेल है, तो सब लोगों ने ना यहाँ पे गाड़ियाँ अपनी पार्क करी हुई है और पार्क करके ना लोग स्टिक लेके नीचे जा रहे थे. तो देयर मस्ट बी नेचर ट्रेल. अपने पास इतना टाइम नहीं कि अपन वो नेचर ट्रेल के लिए जा पाए. बट येस, दिस इज़ द टेम्पल विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल इन द विल्डरनेस.
So I have a very nice breakfast setup. Nuggets hai, fried egg hai, and bun hai, some fruits. And this is so cute. Again, namaste. Namaste. You have been to India? Oh no. No? I like India movie. Oh, India movie. Which movie? I watched Gangubai. Oh, you watch Gangubai? And movie from Netflix. Who is your favorite actor? Like Indian actor, Bollywood actor? I don't know. Alia Bhatt must be? Yeah, it's okay for me. I like action movie. Yeah. Oh, you like action movie. I'm going to Bangkok today. Bangkok. Yeah, Bangkok. And then I'm going to Cambodia. Cambodia? Yeah. Just a few days or? I was in Chiang Rai first. For 4 days I was in Chiang Rai, then 4 days in Chiang Mai. And now I'm going to Bangkok, and 2 days in Bangkok, and then I'll go to Cambodia. And then from Cambodia to Singapore. To Singapore? Yeah, and then India. Long trip. Yeah, it's a long trip. This is our final goodbye to Chiang Mai for now, and we are going to the airport. And yeah, flight lene wale hum Bangkok ki, so I am like excited. Evening flight hai, but abhi thoda sa jaldi chali ja rahi hu main, so that I'll use the lounge and everything, and I'll just chill kyunki yahan par bhi thoda sa kaam kiya aur ab nikal rahe hain. Yes. अभी भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ वीएजेट एयर से, जिससे मैं आई थी बैंकॉक से चियांग राई. अभी चियांग माई से बैंकॉक जा रहे हैं हम, तो उसी फ्लाइट में जा रहे हैं. इसमें तो पानी भी ले जाना अलाउड नहीं है, और ये लोगों का एक मतलब वैसे फ़्लाइट तो एक सवा घंटे की है, पर पानी तक नहीं सर्व करते हैं, और पानी आप एयर फ्लाइट में ले जा भी नहीं सकते एयरक्राफ्ट के अंदर. तो बस अभी यहाँ से मैं लाउंज जाऊँगी, थोड़ा कुछ खाऊँगी, क्योंकि मैंने प्रॉपर ऐसे लंच नहीं किया है. आई हैड ब्रेकफास्ट ओनली, एंड उसके बाद या सो यप. Let's drop the bag. Also, one more thing. Guys, ये होता है फ़ायदा लाउंज होने का. बहुत सारा खाना मिल गया. सैलड है, स्पेगेटी है, ये है चीज़ स्पिनच, एंड ये मस्त पेट भर के खाना खाते हैं. एंड उसके बाद फिर फ्लाइट बुक करेंगे टू बैंकॉक. दिया इन्होंने, और फ्लाइट वॉज गुड. अभी एयरपोर्ट में बैगेज लेना है, और बैग लेके सीधा मेट्रो से हम चलेंगे हमारे हॉस्टल. इस बारी मैं किसी दूसरे हॉस्टल में रुक रही हूँ, और चल के दिखाएंगे आपको. यस, ये वाला लाउंज बहुत अच्छा है यार. मैं लास्ट टाइम जब मतलब जब यहाँ से जा रही थी, तब आई वेंट टू दिस लाउंज. अभी तो मेरे को क्या ही, अभी तो जाने नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ आपके पास बोर्डिंग पास आपका चेक करते हैं वो लोग. तो या चलो, वैसे भूख भी नहीं है अभी. अभी क्या करना है लाउंज जाके, अभी तो घर जाना है वापस, मतलब हॉस्टल पहुंचना है. आराम से पहुंच जाते हैं. सो यार, हॉस्टल पहुंच के आपको दिखाते हैं. मेट्रो में तो यार नॉर्मली चल के लेना है टिकट. मैं आपको हॉस्टल पहुंच के हॉस्टल ही दिखाऊंगी सीधा.